एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों पर प्रधानमंत्री ने किया वार, कहा पाकिस्तान में गिरा बम लेकिन सदमे में है विपक्ष। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई लेकिन सदमा भारत में बैठे कुछ लोगों को लगा है। बालाकोट स्ट्राइक पर गृह मंत्री का बड़ा बयान, कहा एनटीआरओ सर्विलांस से पता चला कि जैश के कैंप में एक्टिव थे 300 मोबाइल। समाजवादी पार्टी ने भी मांगे एयर स्ट्राइक के सबूत, अखिलेश बोले देश जानना चाहता है पूरी सच्चाई। जो घटना हुई है देश की जनता सच्चाई जानना चाहती। गाजियाबाद में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां तेज, गाजियाबाद प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी जुटे। 8 मार्च को हिंडन डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, दिलशाद गार्डन से न्यू बस अड्डा मेट्रो का लोकार्पण। गाजियाबाद के सिकंदरपुर गांव में जनसभा का कार्यक्रम, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, दोनों पक्षों के बीच सुलह में कोर्ट मध्यस्थ बने या नहीं, इस पर आ सकता है फैसला। यूपी में साफ हुई गठबंधन की तस्वीरें, आरएलडी को मिली 3 सीटें, जयंत बोले हम शुरू से ही थे साथ। नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश शहजाद घायल, लूट के 2 दर्जन मामलों में आरोपी। इटावा में पुलिस थाने में कुएं में कूदकर युवक ने दी जान, परिवार वालों का हंगामा। पीलीभीत में वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने को लेकर हंगामा, लोगों ने किया घेराव।